नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिसनौर के धामपुर से है, जहां विश्व परिषद बजरंग दल के आयाम संगठन दुर्गा वाहिनी मात शक्ति द्वारा दुर्गा पब्लिक स्कूल में आज दुर्गाष्टमी का पूजन एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माँ दुर्गा पूजन कर दुर्गा चालीसा का पाठ किया गया। माँ दुर्गा की आरती की गई, उसके बाद माँ दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया गया। हिंदू सनातन धर्म की दुर्गा स्वरूप बहनों को समाज में आ रही चुनौतियों के बारे में सजग एवं सतर्क रहने की प्रेरणा मुख्य वक्ता द्वारा दी गई। कार्यक्रम के संयोजक विभाग कार्यकारिणी सदस्य विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चौधरी अरुण प्रताप सिंह एडवोकेट ने कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोनिका अग्रवाल रही। उन्होंने बताया, आज हम सब नवरात्र के शुभ अवसर पर यहाँ शस्त्र पूजन के लिए उपस्थित हैं। माता रानी शक्ति का प्रतीक है और हम सभी स्त्रियों में देवी का रूप होता है। हम सब भी शक्ति का प्रतीक हैं। फिर हम नवरात्रि में 9 दिन ही क्यों पूजा करते हैं? ऐसा क्यों किया जाता है कि नवरात्रि में 9 दिन ही पूजा की जाती है? क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो महिषासुर था उसको मारने के लिए जब कोई भी देवता उसके सामने नहीं टिक सके, तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने देवी की आह्वान किया, उनको समस्त शक्तियाँ दी। सभी देवताओं ने उन्हें अपनी शक्तियाँ प्रदान करी और शक्ति का एक पुंज स्थापित हुआ जिसने महिषासुर से 9 दिन तक लगातार लड़ाई की और 10वें दिन विजय प्राप्त की, जिसे हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की उपासना शक्ति द्वारा की जाती है, जिससे आप सभी के अंदर जो शक्ति विद्यमान है उसे जागृत किया जा सके। तो आज हम शस्त्र पूजन के लिए उपस्थित हैं इस शुभ अवसर पर, और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। आप सभी का, विश्व हिंदू परिषद की समिति का, पूरी महिला समिति, पुरुष समिति, सभी का धन्यवाद मेरी तरफ से। और मैं आप सभी बहनों से बस ये चाहती हूँ कि जब भी आप नवरात्र में पूजन करें, अपने घर की कन्याओं को और लड़कों को भी ये संस्कार दें कि हम नवरात्र क्यों मनाते हैं, पूजा का विधान क्या है, संस्कृति हमारी क्या है। क्योंकि जब तक आपकी आने वाली पीढ़ी इस बात में जागृत नहीं होगी, तब तक ये हमारी हिंदू सभ्यता जीवंत नहीं रहेगी। इसको हमेशा तक, चिरकाल तक जीवंत बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आने वाले बच्चों को ये संस्कार दें कि उन्हें किस तरह पूजन करना चाहिए, व्रत का क्या नियम होता है, क्या इसके फायदे हैं, क्यों ये किए जाते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपने आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान, ये संस्कार अवश्य दें। कार्यक्रम में नीलम सिंह, स्वाति शर्मा, एकता गुप्ता, चौधरी रेणु सिंह, डॉक्टर सुमन शर्मा, प्राची चौधरी, अदिति चौधरी, वंशिका अग्रवाल, शुभिका अग्रवाल मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता तान्या सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन स्वाति शर्मा ने किया। कार्यक्रम में जिला मंत्री युधिष चौहान, बजरंग दल संयोजक जितेंद्र जीतू, विभाग संगठन मंत्री जैलेश, जिला उपाध्यक्ष मयंक अग्रवाल, जिला प्रचार प्रमुख नितिन अग्रवाल, मीनू सिसोदिया सहित मातृ शक्तियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर दुर्गा पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मैत्री, प्रत्यांश, मेदांश, शिवन्या, आभ्या, प्रतीक, अनवी, मोनिका, सारिका, नैना आदि बच्चों ने भाग लिया, जिनको कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार व प्रमाण पत्र भेंट कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन नंदिनी रानी ने किया। इस दौरान गरिमा भारद्वाज, अरुण शर्मा, आरती शर्मा, प्रभा शर्मा, निरुपमा रानी, शोभा चौहान, शिखा सिसोदिया, भूपेंद्र सिंह चौहान, गौरव कुमार, जितेंद्र सिसोदिया आदि का विशेष सहयोग रहा। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।